हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम आज सीखेंगे कि हम टैली प्राइम में सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई तो उसे आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी ये दोनों ही लगाना मैं पहले भी टैली ERP 9 में सिखा चुका हूँ, लेकिन सवाल नेहा का है और ये टैली प्राइम में सिक्योरिटी लगाना सीखना चाहती हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है या यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। यहां पर तो F3 बटन प्रेस कर लेते हैं हम और चलते हैं क्रिएट कंपनी पर। नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए यहां से क्रिएट कंपनी पर आ जाएंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक फॉर्म हमारे सामने आएगा और वो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। अब यहां पर कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो कंपनी का नाम मैं दे देता हूं द शाइन इन कंपनी। ठीक है, यही मैं नाम दे देता हूं कंपनी को। आपके कंपनी का जो भी नाम है आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पे एड्रेस, तो यहां पे जो एड्रेस है वो डाल देता हूं। ठीक है, तो ये कंपनी का एड्रेस हो गया। एंटर प्रेस किया। यहां पे स्टेट आएगा तो यू प्रेस करता हूं स्टेट के लिए, ये स्टेट आ गया। और यहां पे आएगा पिन कोड। ठीक है, तो ये हो गया पिन कोड। और फिर एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आएंगे तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1/4/2020 रख लेता हूं मैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, स्टार्ट यहां से हो रहा है और काम भी हमारा इसी डेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई 1/4/2020 यहां भी रख लेता हूं और एंटर कर देता हूं प्रेस। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक नई विंडो खुल करके आएगी। यहां पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इट मींस कि अगर वैट एक्टिवेट करना चाहते हैं, GST एक्टिवेट करना चाहते हैं, एक्साइज ड्यूटी एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहां से कर सकते हैं। डिस्काउंट एक्टिवेट करना हो या इस तरह की कोई भी चीज करनी हो तो आप यहां से आसानी के साथ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो यहां कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट भी करवा लेता हूं। तो अभी ये एक्सेप्ट हो चुकी है द साइन इन कंपनी। और अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें पासवर्ड लगाना सीखना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये पासवर्ड लगाएं तो लगाएं कहां से, यहां पे पासवर्ड लगाने वाला कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये कंपनी, यहां पे के नीचे एक बार दिया हुआ है। ये बार लगने का मतलब, ये जो डैश सा लगा हुआ है के नीचे, ये बार सा जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ये की अल्ट के साथ दबानी है, आपको अल्ट के साथ के प्रेस करना है या वहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अल्ट के साथ के प्रेस कर देते हैं। एक नई विंडो ओपन होगी, पॉपअप मेन्यू ओपन होगी, ये देख सकते हैं आप। और इसमें आपको कहां जाना है, यहां पर आना है सिक्योरिटी पे। आप नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए। यहां पे देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहे तो यहां पे वॉल्ट पासवर्ड भी लगा सकते हैं, टैली वॉल्ट भी दिया हुआ है, लेकिन आज का ये टॉपिक सिक्योरिटी को लेकर के है। तो यहां से आपको सिर्फ ई प्रेस कर देना है। कंपनी आपकी कौन सी है डिसाइड कर लीजिए, यही है ना कंपनी। तो आप यहां से खाली वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूं और पासवर्ड डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर कोई पासवर्ड डालता हूं। ठीक है, और उसी पासवर्ड को यहां पर रिपीट कर देना है आपको। तो यहां पर रिपीट भी कर दिया मैंने। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर चाहे तो ईमेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर ईमेल नहीं डालने वाला हूं, बाकी सबको नो रखता हूं। एंटर प्रेस कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। ध्यान रहे कि कंपनी का नाम आपके क्या है, द साइन इन कंपनी। अब यहां से बाहर आ गया मैं, इस कंपनी को क्लोज करना है। F3 प्रेस करता हूं और शट कंपनी पे चला जाता हूं और इस कंपनी को भी कर देता हूं क्लोज। तो अभी ये देख सकते हैं कि कंपनी हमारी क्लोज हो चुकी है। अब हमें वही कंपनी दोबारा से सेलेक्ट करनी है, तो द साइन इन कंपनी हमें सेलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करता हूं, सेलेक्ट कंपनी पे जाके T प्रेस करता हूं, तो द साइन इन कंपनी इसमें आपको कहीं दिख जाएगी। तो यहां पर जाकर के और एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आप जाएंगे तो कंपनी ओपन होगी नहीं, यहां पर कहेगा कि पहले आप यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। तो मैं यूजर नेम डाल देता हूं, यही यूजर नेम था, एंटर प्रेस करता हूं, अब वो पासवर्ड डाल देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही पासवर्ड डालूंगा तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। अब इसमें कोई भी एडिटिंग हम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सिक्योरिटी वाला ऑप्शन हम कैसे प्रयोग करेंगे टैली प्राइम में, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।